जेपी मॉर्गन के हेड सीईओ का कोई ऐसी बात करना, ये बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो किसी के इस तरीके से तारीफ करे। मोदी has done an unbelievable job in India. He's taken 400 million people out of poverty. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just he's tough. कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला के हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी जाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज हुआ चाहता है। इंडिया के बेस्ट अलाइज हों, बेस्ट फ्रेंड्स हों, पार्टनर्स हों, अलाइज हों, कोई भी हो, अगर उसके पर कोई ऐसा सवाल आता है तो वो कुछ कहने से नहीं चूकता इंडिया। और इंडिया बड़े धड़ल्ले से जो अपना वो रिजर्वेशन सामने रखता है कि भाई आप दोस्त हैं तो क्या हुआ। मोदी जी की इस किस्म की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, जिसमें वो बहुत खुश और बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं दो मुस्लिम्स के साथ बैठकर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में फिर नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है इंडिया से? आप इस्लामिक को भी बुला सकते थे, पॉलिटिशियंस को बुला सकते थे, मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, आई लव इंडिया एज मच आई लव पाकिस्तान। जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। पाकिस्तान कुछ दे तो नहीं सकता, बद्दुआ के अलावा, गोली के अलावा पाकिस्तान कुछ लेने ही गया होगा, जाहिर सी बात है। पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं आपके और हमारे बीच में कि ये कुछ मांगने ही गया होगा, ये कुछ देने तो जा नहीं सकता ये, ठीक है। दूसरी चीज कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अक्सर अक्सर किसी देश जाते रहते हैं, ये कई बार लंदन जाते हैं, ये कई बार सऊदी अरब जाते हैं, ये कई बार चाइना जाते हैं, ये कई बार अमेरिका जाते हैं, वो लोग इधर नहीं आते, ये एक तरफा मोहब्बत है अपने डोनर्स से। ये भी हम अब देखिए, अगले महीने लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है उनका छोटा भाई है नवाज का, शहबाज जाएगा चाइना, शहबाज कई चीजों पर बात करेगा। तो नवाज शरीफ लोग कह रहे हैं, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना ग्राउंड बनाने के लिए, वो ग्राउंड बनाने के लिए वो तैयार है और वहां पे ग्राउंड बना रहा है कि मेरे छोटे भैया आ रहे हैं उनका ध्यान रखना, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अच्छा, इशाक डर जो है इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको जाना चाहिए था ये काम, जैसे अगर मोदी जी जाते हैं उसके पहले डॉक्टर जयशंकर जाते हैं, डोवाल साहब जाते हैं, ये लोग जाते हैं, फिर भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं फिर वो जाते हैं। पाकिस्तान में भैया जाते हैं, मौसा जाते हैं, चाचा जाते हैं, मामा जाते हैं, ताया जाते हैं, ये सब जाते हैं, ये पाकिस्तान की राजनीति है दोस्तों। तो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि 3-3.5 साल तक इमरान खान ने बंद रखा, और इमरान खान के पास जायज कारण थे उसको बंद करने के, राइट। और इमरान खान ने यह भी नहीं बोला कि इसको बंद कर दो, उसने शुरू में कभी यह नहीं बोला। मैं इतना देखो, मैं इमरान खान को ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जो सच है वो सच है। इमरान खान ने यह कभी नहीं बोला कि सीपैक बंद करो, इमरान खान ने पहले यह बोला कि सीपैक में जो कागज हैं, जो आप लोगों ने मोटी मोटी डील साइन कर रखी है चाइना के साथ, जरा हमें तो दिखाओ। उसने बोला कि भाई देश का प्रधानमंत्री मैं हूं, जरा मुझे बताओ कि तुमने जो चीन से लिया है क्या यह दान है, क्या यह ज़कात है, क्या यह गिफ्ट है, क्या ये उस कैटेगरी में आता है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट है जिस पे हमें रिटर्न देना है, ये एक लोन है जिस पे हमें ब्याज देना है, स्टोरी क्या है इसकी। तो जब उसके सामने कागज आया, पहले तो उन्होंने उसको कागज नहीं दिखाया, इमरान खान को बोला कि नहीं साहब ये फौज वौज का मैटर है, आपका मैटर क्या है, मैं प्रधानमंत्री हूं यार, कैसे मेरा मैटर नहीं है, लाओ कागज। तो जब कागज दिखाए तो इमरान खान की आंखें फटी की फटी रह गई, उसने बोला यार ये प्रोजेक्टर डकैती है। खबर ये है कि जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, हेड हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, आप ये कह सकते हैं, या उन्होंने एक बयान दिया जिस पे उन्होंने जेमी है उनका नाम, और जेपी मॉर्गन के हेड सीईओ का कोई ऐसी बात करना, ये बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो किसी के इस तरीके से तारीफ करे। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। तो जेपी मॉर्गन के सीईओ तारीफ करते हैं
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की और कहते हैं कि भाई ये तो जो उसने कर दिखाया है, जो काया पलट कर दी है इंडिया की, वो तो आसान काम नहीं था, ये तो अनबिलीवेबल काम है जो उसने कर दिया। अब ऐसा है कि इसके बजाय कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मुझे देखिए इस तरह होता है कि बहुत सारी ऐसी, जिस तरह की हम आपसे ये बात कर रहे थे पहले भी, आपको बताते रहे कि इंडिया की इकोनॉमी की बड़ी तारीफ की जा रही है। अभी मेरा ख्याल है एक दिन पहले आप तक खबर पहुंचाई कि एक इंटरव्यू के दौरान इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड हैं उन्होंने कैसे तारीफ की है इंडिया की इकोनॉमी की, और ये प्रिडिक्ट किया है कि 2025 और 2027 में ये फोर्थ एंड थर्ड कहां तक पहुंचेंगे। तो लेकिन एक लीडर की इस तरीके से, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड की तरफ से, सीईओ की तरफ से ऐसी तारीफ करना, इतनी खुल के तारीफ करना, ये कम नजर आता है। तो मैंने जब ये देखा तो हैरानी भी हुई, लेकिन मैंने कहा जरूर इसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको सुनवाई देती हूँ कि जो जेमी डरन है उन्होंने इस बारे में जो है जेपी मॉर्गन सीईओ जेमी डेमोन उन्होंने क्या कहा है और वो नरेंद्र मोदी को कौन से स्केल पर रख रहे हैं। तो ये इतनी डिटेल में तारीफ करना, अच्छा उन्होंने जो तारीफ की उनका कि जो कर दिखाया है अनबिलीवेबल है, और वो तो हम आपको डेली बेसिस पे जो प्रोग्राम्स करते हैं इंडिया, तो जाहिर है कि जो कर दिखाया है तो इस जगह पर भारत इस वक्त जिस जगह पर है तो वो इन्हीं सब कामों की वजह से है ना। तो इसकी तो बिल गेट्स भी तारीफ करते हैं और जितने दुनिया के लीडर्स और जो भी हैं, बल्कि मैं ये भी देख रही थी कि ऐसे बहुत सारे एंकर्स भी, एनालिस्ट भी और मीडिया के जो आउटलेट्स हैं वहां पर भी, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा खिलाफ थे इस इलेक्शन से पहले तक भी और कुछ अर्सा पहले तक चले आप कह लें, लेकिन अब वो भी जो है वो तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त नाम नहीं ले रही, लेकिन बड़े बड़े ऐसे जिसे कहते हैं ना जहां दीदा, या जो कि यही समझे जाते थे कि ये तो एंटी मोदी है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत हैरान हुई कुछ वो देखकर चैनल्स कि ये तो मोहतरमा या ये जो हैं ये तो बड़ी खिलाफ थी, ये क्या हो गया, ये तो बड़ी बिल्कुल इनका वो बदल चुका है इस वक्त और वो तो मोदी के हक में बात कर रही है और वो कह रही है कि ये तो जो है वो। तो इससे ही पता चलता है कि जो उनके मुखालफिन या ओपोनेंट्स हैं, जाहिर है कि इस वक्त जो उनकी ओपोनेंट पार्टीज हैं जो सारी इस वक्त इकट्ठी हैं वो तो नहीं करेंगे ऐसे, वो तो उनके खिलाफ ही हैं और उनको तो जितना भी उनके अंदर बुरा नजर आ रहा है। लेकिन हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो उस पर भी हमें नजर आता है कि भाई तारीफों के तो जो हैं वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तारीफ जो है, पता नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की इससे पहले इतनी तारीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो उसी की तारीफ करेंगे कि जो इकोनॉमी में जो है दी बेस्ट करके दिखाएगा, तो इसलिए